तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब ऑफ कॉलेज में। आज लेके आया अच्छा खबर। अभी आप लोग का ऑनलाइन है स्टार्ट होगा 24 से, अब लास्ट डेट है 30 जून को है। तो चलिए अभी ऑनलाइन के लिए क्या क्या पोस्ट, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए निकला है एक पोस्ट, पे लेवल दे के रखा है कितना सैलरी होगा, आने जब है। इन तीनों पोस्ट आपका डिप्टी रजिस्टर के लिए है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपका ओबीसी के लिए है 1 पोस्ट है, 4 नंबर असिस्टेंट रजिस्टर, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, एक अनरिजर्व एक AWS के रिजर्व है। तो वेज लिमिट है 40 तक अप्लाई कर सकेंगे आप लोग। और आपका 5 नंबर टेक्निकल ऑफिसर, तो ये आपका ग्रुप एक ही है, एज लिमिट 40 तक अप्लाई कर सकेंगे, एज ऑप्शन OBC के लिए है। 6 नंबर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए, एज लिमिट 35 तक है, एज ऑप्शन SC के लिए है। 7 नंबर लोअर डिवीजन क्लर्क, नंबर वैकेंसी 4 है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए ग्रुप सी के लिए, एज लिमिट 32 तक है। और आपका एक अनरिजर्व है, 2 OBC के लिए रिजर्वेशन है और एक ST के लिए रिजर्वेशन है। 8 नंबर है मल्टी टास्किंग स्टाफ ग्रुप सी, नंबर वैकेंसी 2 है, एक OBC के लिए, 1 EWS के लिए है। तो चलिए अभी क्वालिफिकेशन क्या कैसे है। तो एक नंबर पोस्ट है रजिस्टर के लिए, अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री 55% चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस चाहिए आपको 15 ईयर्स तक। अगर मैं करके आपको देख लीजिए, एक वीडियो लिंक भी दे दूँगा। 2 नंबर इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, तो इसमें भी आपका अकाउंट सेक्टर में चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस भी मैंशन करके देख लीजिए। डिप्टी रजिस्टर के लिए मास्टर डिग्री 55% एक्सपीरियंस, असिस्टेंट रजिस्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टर डिग्री 55% चाहिए, एंड आपका टेक्निकल ऑफिसर मास्टर डिग्री 55 प्लस 5 का एक्सपीरियंस। 6 नंबर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मास्टर डिग्री प्लस फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री। तो 6 नंबर आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मास्टर डिग्री प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, LDC के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग स्पीच इतना चाहिए, प्लस कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, और मल्टी टास्किंग स्टेप के लिए 10 प्लस ITS सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फीस जैसे 1000 फीस अप्लाई करना पड़ेगा, अगर रजिस्टर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं 1000 चाहिए, बाकी अदर पोस्ट के लिए आपको 500 पे ही करना पड़ेगा, एंड ST एंड फिजिकल हैंडीकैप होने से आपको एप्लीकेशन फीस देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अभी ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करते हैं दिखाते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करिए मेरे साथ। सो मैं अभी आपका स्कूल में से ऑनलाइन पोर्टल पेज में आ चुका हूँ, तो एप्लीकेशन अप्लाई करना। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका अभी मेरा अकाउंट है तो साइन अप करना पड़ेगा पहले। तो उसके बाद आपका पहले आपको मेल आईडी, दोबारा मेल आईडी लिखना पड़ेगा, पासपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका कैप्चा कोड देना पड़ेगा। कैप्चा कोड है आपका उसके बाद मुझे पहला कौन से पोस्ट में अप्लाई करेंगे, तो मैं LDC में अप्लाई करूँगा। अभी आपको एड्रेस नंबर देना पड़ेगा, और कैटेगरी में कभी अगर किसी का है तो यस कर लीजिए। चेक वैकेंसी एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेव करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डिटेल्स ओपन हो जाएगा, सेव करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा। इधर में मेरा 10 और 12 ग्रेजुएशन करके 7 लाख करना पड़ेगा, उसके बाद टैक्स करना है।
वर्किंग एक्सपीरियंस तो मैं तो लाइक तो बेटर है तो उसके बाद प्रोहोट के अच्छा है नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं टाइम और को जॉइनिंग अब बताते फाइनेंशियल इंडिकेशन नहीं है इसको भी नहीं है रेफरेंस के लिए हम फर्स्ट में तो नहीं देख पा तो उसके बाद लैंग्वेज को एडिटिंग कर लिया तो नेक्स्ट सेक्शन selected to say no see not available so you have applied against same position in naked no apply naked save kar diya सेशन नेक्स्ट फोटो अपलोड करना पड़ेगा सिग्नेचर 10 का मार्क्स 10 का सर्टिफिकेट पेन पासपोर्ट में पेन कार्ड अपलोड करेंगे एंड कास्ट सर्टिफिक अपलोड करना पड़ेगा 10 का सर्टिफिकेट 12 सर्टिफिकेट उसके बाद बी का पास सर्टिफिकेट एंड डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है नेक्स्ट करेंगे तो अभी देखिए फाइनलाइज करना है मुझे दादा को भी मैं देख लेता हूँ तो ओके है एग्री नेक्स्ट सेक्शन सबमिट सबमिट एप्लीकेशन में तो मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाए डस्टबिन में तो आप लोग को ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा सो आप लोग को भी ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा कुछ भी प्रॉब्लम होने से कमेंट करिए और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए धन्यवाद।